इसलिए तुमको जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। आप विदेश में जाते हो ना, दुबई, सऊदी अरबिया, मलेशिया, इस्लामिक कंट्री में, और वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से गले मिलते हो, वहाँ की मस्जिदों में जाकर सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाते हो, ये ढोंग बंद कर दो, ये पहली बात। दूसरी बात है कि मस्जिद में घुसकर मारने की बात अगर कोई करता है तो सरकार ने क्या कार्रवाई की? मस्जिद में घुसने की बात करने से पहले ये जो विधायक है उसने अपने नेता से कहना चाहिए, पहले पाकिस्तान में घुसिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़िए। आज भी जम्मू में अपने आर्मी बेस पर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने, और हमारे जवान शहीद हो गया है, ये दर्द इनकी शहादत चल रही है। हमको लड़ना है तो लोगों से लड़ना है, ये छुटपुट लोग है गांव में जाकर भाषण देते हैं, ये दंगे भड़काना चाहते हैं इस राज्य में आग लगाना चाहते हैं, अपने आप को ये नेता मानते हैं ना हिंदुवादी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अपने गांव में हुआ है, घर के सामने हुआ है, आपके नाक के सामने हुआ है, और आप ये दंगाई की भाषा करते हो। जाइए, ये आंख है ना चाइना को दिखाइए, ये फिर अंदर घुस गया है हमारे देश में, बीजेपी वाले ये जो आंख है ना पाकिस्तान को दिखाइए, तो जम्मू कश्मीर में दर दिन नए आतंकवादी हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मैं सहमत हूँ, ये बुलडोजर एक नौटंक है, राजनीतिक नौटंक ही है, अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने के लिए ये बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने की नौबत अब आएगी तब सबसे पहले ये बीजेपी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये लोगों ने इतने कांड और अपराध करके रखे हैं, इतने गैर कानूनी काम किए हैं, मुझे लगता है अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो उनके ऊपर चलना चाहिए। बहुत है, जल्दी आपको पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी में महायुति के कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपको पता चलेगा।